देशी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। मथुरा में जनसभा से पहले योगी आदित्यनाथ विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करने वाले हैं। इस बीच सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी सीमित संख्या में वितरित किए जाएंगे। राम जवारा में आने जाने वाले मार्ग प्रशासन इस वक्त दुरुस्त करा दिया गया है। लोक निर्माण विभाग ने हेलीपैड बनाने की कार्यवाही को भी पूर्ण कर लिया है। वहीं पूरे दिन डीएम एसपी सहित उच्च अधिकारी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देते दिखाई दिए हैं। जनसभा स्थल पर मंगलवार को मांड विधानसभा सीट से भाजपा के टिकट के प्रबल दावेदार युवा नेता राजेश चौधरी ने भी तैयारियों का जायजा लिया। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन की तमाम अटकलों के बाद मेरठ में समाजवादी और लोकदल के बीच पहली संयुक्त रैली आयोजित की गई, जिसे साफ तौर पर कह सकते हैं कि दोनों के बीच चुनावी गठबंधन पर सहमति बनती हुई अब दिखाई दे रही है। अखिलेश ने रैली को संबोधित करते हुए एक और नारा दिया। उन्होंने कहा कि किसानों का इंकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा। फिर अखिलेश ने कहा कि अब यूपी से बीजेपी का सफाया होगा। आज ये जनसैलाब और जोश बता रहा है कि इस बार पश्चिम में भारतीय जनता पार्टी का सूरज डूब जाएगा और वो हमेशा के लिए डूबेगा। आज अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की संयुक्त रैली है मेरठ में, उस पर आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से आप देख रहे हैं, गांव गरीब, खेत खलिहान, सभी वर्ग के लोगों का समर्थन समाजवादी पार्टी को मिल रहा है। ये तय हो चुका है कि भाजपा जाने वाली है, समाजवादी पार्टी आने वाली है। आज जिस तरीके से मेरठ में जयंत चौधरी जी और माननीय अखिलेश यादव जी की रैली में लाखों का जनसैलाब उमड़ा है, उस चीज़ का गवाही है कि 1857 की क्रांति जब मेरठ से उठी थी तो देश आज़ाद हुआ था, और आज 2022 की जो क्रांति उठी है, इससे भाजपा से प्रदेश और देश आज़ाद होने जा रहा है। यही बात मैं कहूँगा आपसे। ये बताइए, आज गोरखपुर में नरेंद्र मोदी ने बोला है कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से बस मतलब होता है, उस पर आप क्या कहेंगे? उन्होंने बोला था कि 15 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे, उस पर क्या कहें? उन्होंने तमाम बातें, उन्होंने गरीबों को हवाई जहाज में बैठाने का वादा किया था और गरीबों को पैदल कर दिया, उनके कफन तक नहीं मिल पाए, उनको दवा तक नहीं मिल पाई, लोग अपने परिवार के लोगों का अंतिम संस्कार तक नहीं शामिल हो पाए। तो आप प्रधानमंत्री के बारे में, जुमलेबाजी के बारे में आप खूब अच्छे से जानते हैं, जनता सब कुछ जान चुकी है। आने वाले समय में समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही, जिससे गाँव गरीब खेत खलिहान हर वर्ग के चेहरे पर मुस्कान आने वाली है। आज अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की संयुक्त आज रैली है, उस रैली के बारे में कुछ बताएं। कि पहली परिवर्तन संयुक्त रैली हुई है और समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय लोकदल की साझा रैली की शुरुआत आज की गई, और इस रैली में जिस तरह से भीड़ आई है, उस भीड़ ने यह साबित कर दिया है कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार की विदाई तय है और समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहा है। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल मिलकर के सरकार बनाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश की जनता ने नकार दिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने से पहले और सरकार बनाने के बाद जो वादा उत्तर प्रदेश की जनता से किया था, उन्होंने कहा था कि हम किसानों की आमदनी को 2 गुना करने का काम करेंगे, लेकिन किसानों की आमदनी तो 2 गुनी नहीं हुई, लागत जरूर 4 गुना हो गई। ना तो किसानों को उनके फसलों का मूल्य मिला, ना गन्ने का मूल्य मिला, गन्ने का बकाया आज भी है, लागत का 1.5 गुना मूल्य देने की बात उन्होंने की थी, लागत का 1.5 गुना मूल्य ना तो गन्ने का मिला, ना आलू का मिला, ना धान का मिला, ना गेहूं का मिला। किसान जो है परेशान रहा, ना तो किसानों के पास दवाई के पैसे हैं, ना पढ़ाई के पैसे हैं, और इन्होंने 2022 तक किसानों की आमदनी 2 गुनी करने की बात की थी, लेकिन ये कुछ भी नहीं कर पाए, ना तो नौजवानों की भर्ती कर पाए। इनके जितने भी इन्होंने परीक्षाएँ कराई, सभी में पर्चे लीक हुए, सभी में पर्चे लीक हो जाते हैं, और ये किस तरीके से इनकी व्यवस्था है, और उत्तर प्रदेश के हर मोर्चे पर, चाहे वो नौजवानों के रोजगार के मसले पर हो, चाहे महंगाई के सवाल पर हो, चाहे वो
विकास के सवाल पर हो, हर मोर्चे पर ये सरकार फेल है। अब चुनाव के समय इनको तमाम घोषणाएं फिर से याद आ रही है, उन घोषणाओं पर उत्तर प्रदेश की जनता विश्वास नहीं करने वाली है, क्योंकि इन्होंने जो केंद्र सरकार में पहली दफे आए थे, जब इन्होंने जो भी घोषणाएं की थी वो आज तक पूरी नहीं हुई, ना उत्तर प्रदेश सरकार ने जो घोषणाएं की वो आज पूरी हुई, और उसी में किसानों में आम जनता में आक्रोश है, और वो आक्रोश आज मेरठ में समाजवादी पार्टी की और राष्ट्रीय लोकदल की जो साझा रैली हुई है उसमें दिखाई पड़ा है। वहीं सिद्धार्थनगर जिले में समाजवादी पार्टी ने जन चौपाल लगाकर सपा सरकार की उपलब्धियों और वर्तमान भाजपा सरकार की नाकामियों को लोगों के बीच गिनवाया। इस जन चौपाल में सपा के कद्दावर नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे ने शिरकत की। जिले के कपिलवस्तु विधानसभा के बनियाडी में आयोजित इस कार्यक्रम में भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। पूर्व विधायक विजय पासवान के नेतृत्व में इस जन चौपाल में मंच से एक सुर में नेताओं ने प्रदेश की भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया और अखिलेश यादव सरकार की उपलब्धियां जनता के बीच में रखी। हमारे कार्यकर्ता हैं, चाहे जो भी प्रत्याशी हैं, अपना कहते हैं सबको चाहिए कि समाजवादी पार्टी के संगठन को मजबूत करके अपने उम्मीदवार को जिताने की कोशिश करें। और मैं आपको बता दूं जो माहौल है, ये पांचों सीटें समाजवादी पार्टी। वही प्रेस क्लब लखनऊ के सभागार में सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय पूर्व सैनिक मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय कुमार, पूर्व नौसेना अधिकारी द्वारा विभिन्न मीडिया चैनल के प्रतिनिधि और संवाददाताओं के साथ प्रेस वार्ता आयोजित की गई। अजय कुमार ने बताया कि 1949 में देश में झंडा दिवस प्रतिवर्ष 7 सितंबर से मनाया जाता है। वर्ष 1993 से इस दिवस का नाम सशस्त्र सेना दिवस रखा गया। इस दिन सशस्त्र सेना झंडा दिवस का प्रतीक झंडा जन सामान्य में वितरित कर उस धनराशि को सेना के शहीद जवानों और पूर्व सैनिकों के परिवार के कल्याण के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसकी सरहद की एक इंच जमीन भीख में नहीं मांगते हैं, अगर जाती है तो सर कटा करके लड़के ले लेते हैं। यही सोच करके मैंने 2 साल नौकरी रहते हुए, लास्ट पोस्टिंग थी मेरी एज की नौकरी स्टेशन हेडक्वार्टर की, और मैंने नौकरी छोड़ा यही पूर्व सैनिकों का कि हमें हक चाहिए, हमें हक चाहिए। अरे जब दूसरे देश से जहां तोप चल रही है, गोले चल रहे हैं, वहां हम लड़के ले रहे हैं, तो यहां क्यों नहीं लड़के ले सकते भाई? मेरे पास सर्जन आवाज के पास टोटल 7 पार्टियां हैं, जिसमें 4 पार्टियां एक्टिव हैं, 1 सर्वजन आवाज पार्टी, 2 अखंड भारत विकास पार्टी, 3 जागरूक जनता पार्टी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में महज कुछ महीनों का वक्त बचा है, वहीं सभी पार्टियों ने अब कमर कस ली है। दल बदल जारी है, जो कि राजनीति में शुरू से ही होता चला आया है। ऐसे में एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी की कमान थामने वाले नेताओं में अब और भी नाम शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि तमाम दलों के नेताओं ने आज मिस कॉल के माध्यम से भाजपा को ज्वाइन किया। वही ताज नगरी आगरा के पनाहट कस्बा थाना क्षेत्र के नंद गवा तिराहे के में पूर्व कैबिनेट मंत्री राजा अरिदमन सिंह का जन जागरण बाइक रैली के दौरान वर्चस्व को लेकर पूर्व मंत्री एवं पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुग्रीव सिंह चौहान के समर्थकों में जोरदार भिड़ंत देखने को मिली। दरअसल बताया जा रहा है कि पूर्व मंत्री राजा अरिदमन के समर्थक और पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुग्रीव सिंह चौहान के समर्थक नंद गवा तिराहे पर आमने सामने आ गए। पहले दोनों के बीच नोकझोंक हुई और गाली गलौज हुआ, उसके बाद मामला मारपीट में तब्दील हो गया। वर्चस्व को लेकर दोनों तरफ से जमकर पथराव भी हुआ, जिसमें आधा दर्जन से अधिक वाहन क्षतिग्रस्त हो गए, वहीं कई समर्थक घायल भी बताए जा रहे हैं। जनपद आगरा में थाना अंतर्गत पिनहट क्षेत्र में आज 2 समर्थकों के बीच एक मोटरसाइकिल रैली थी और कुछ गाड़ियां उधर से आ रही थी, दोनों के बीच झड़प हो गई और उसमें कुछ गाड़ियां टूटी हैं। पूरे मामले की जांच की जा रही है और इस पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। जो भी वीडियो फुटेज प्राप्त हो रहे हैं उसके आधार पर इसमें। फतेहपुर के हदगांव ब्लॉक परिसर में खंड शिक्षा अधिकारी विश्वनाथ पाठक के संयोजन में बीआरसी परिसर में स्थित ब्लॉक स्तरीय अनुमुखीकरण एवं संगोष्ठी का कार्यक्रम शानदार ढंग से संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि प्रदेश के खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री रणवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी सिंह के हाथों प्रधानाध्यापकों की टीम के साथ उनको सम्मानित किया गया।
विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर मुख्य अतिथि सहित उपस्थित लोगों का भी दिल जीत लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे खंड शिक्षा अधिकारी विश्वनाथ पाठक ने मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए 19 पैरामीटर विद्यालय प्रबंध समिति के कर्तव्य दायित्व और विद्यालय विकास योजना आदि के बारे में जानकारी दी। आजादी के 75वें वर्ष को अमृत महोत्सव वर्ष के रूप में पूरा देश मना रहा है। इसी क्रम में उन्नाव के रामलीला मैदान में वृंदावन गार्डन आवास विकास तक एक बाइक रैली के माध्यम से तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा में विभिन्न विद्यालयों के छात्रों और संघ के स्वयंसेवकों सहित सामाजिक संगठन, पूर्व सैनिक व मातृशक्ति उपस्थित रहे। यात्रा को हरी झंडी प्रख्यात कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर जी ने दिखाई व लोगों को राष्ट्र व धर्म के प्रति जागरूक किया। यात्रा व आजादी का अमृत महोत्सव समिति उन्नाव के संयोजक विमल द्विवेदी की अगुवाई में इस भव्य यात्रा को आयोजित किया गया था। सोलह दिसंबर को विजय दिवस पर जो आदरणीय पुष्पेन पुष्पेश जी का जो भव्य कार्यक्रम और विशाल जनसभा और वंदे मातरम गायन का जो कार्यक्रम यहाँ हजारों लोगों की भीड़ के बीच होने वाला है, उस कार्यक्रम को जन जागरण के रूप में आज जो है तिरंगा यात्रा और बाइक रैली के रूप में स्वयंसेवकों द्वारा, अमृत महोत्सव आयोजन समिति के सभी सदस्यों द्वारा और नगर के तमाम सामाजिक संगठनों द्वारा ये यात्रा निकाली गई है। और यह यात्रा लगातार 16 तारीख तक क्रमवार जो है मोहल्ले वाइज, बस्ती वाइज, नगर वाइज और ब्लॉक वाइज निकाली जाएंगी, जिससे जो है 16 तारीख को जो जनजागरण और आमंत्रण पत्र के माध्यम से सब लोगों को भीड़ एकत्रित होने के लिए यहाँ बुलाया जाएगा। उसी क्रम में आज माननीय देवकीनंदन जी, परम पूज्य संत देवकीनंदन जी का यहाँ आगमन हुआ और उनके द्वारा इस तिरंगा यात्रा को और भारत माता का पूजन करके इस तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया गया। हम सब उनके आभारी हैं। 16 दिसंबर को विजय दिवस पर जो मथुरा जनपद के स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी का रिश्वत लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें कथित स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी मोटी रिश्वत लेता साफ तौर पर दिखाई दिया है। यह वीडियो मथुरा जनपद में इस वक्त तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं इस वीडियो को के वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। दरअसल ये पूरा मामला जनपद मथुरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौझील का बताया जा रहा है। आज जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में आज हमने तीन जगह का विजिट किया है, तीन हॉस्पिटल्स का, न्यू सेफ हॉस्पिटल और कृष्णा सिटी हॉस्पिटल और ये अनिल जर्रा के यहाँ पर जी। तो तीनों, अनिल जर्रा का तो वो तो डॉक्टर जो था भाग गया है, उसका पता नहीं है उसके पास रजिस्ट्रेशन है कि नहीं। और बाकी जो वही चंदौली में धान खरीद में लापरवाही बरतने पर क्रय केंद्र प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। दरअसल चकिया तहसील क्षेत्र के राजकीय क्रय केंद्र उसरी गांव में क्रय केंद्र पर टोकन ना देने व नियमित धान खरीद ना करने पर कार्यवाही को अंजाम दिया गया। दो दिन पहले क्रय केंद्र पर ताला लटका देकर किसानों ने वीडियो बनाकर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट प्रेम प्रकाश मीणा से इस पूरे मामले की शिकायत की थी, जिसके बाद ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के निरीक्षण में शिकायत को सही पाया गया, जिसके बाद ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने क्रय केंद्र प्रभारी को तत्काल रूप से निलंबित कर दिया और तत्काल धान खरीद के लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी की गई। वही लखीमपुर खीरी पुलिस निरीक्षक खीरी संजीव सुमन के निर्देशन पर और अपर पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत थाना भीरा पुलिस ने गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर मौलवी तिराहे से दो अभियुक्तों को चोरी की दो मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया है। बीती रात में थाना अध्यक्ष भीरा के नेतृत्व में गश्त के दौरान दो व्यक्तियों को चेक किया गया तो उनसे दो गाड़ियां मिली जो चोरी की थी। उनसे और कड़ाई से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा इसी जनपद की चोरी की हुई संपूर्णानगर, गोला, पलिया से करीब 8 गाड़ियां मिली हैं। सभी गाड़ियों का उन थानों पर मुकदमा लिखा हुआ है। इनके पास से दौराने तलाशी में असलहे भी मिले हैं, दो असलहे मिले हैं और कुछ नशीली गोलियां मिली हैं जो ये लोगों को खिला करके और अपराध करते हैं। नशीली गोलियां भी बरामद हुई हैं और इनको
वही वृंदावन नगर के व्यस्तम इलाका विद्यापीठ चौराहे पर जंग का मैदान देखने को मिला। मामला था असली बनाम नकली किन्नर का, जहां असली किन्नरों ने नकली किन्नरों की जमकर पिटाई कर दी। दरअसल पूरा विवाद श्री बांके बिहारी मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं से कुछ लोगों द्वारा किन्नर वेश बनाकर पैसे मांगने का है। क्षेत्रवासियों ने कई बार नकली किन्नरों को इस हरकत पर विरोध भी जताया। वहीं जब शहर के असली किन्नरों को इस पूरे मामले की भनक पड़ी तो सभी विद्यापीठ चौराहे पर पहुंच गए और पैसे मांग रहे नकली किन्नरों को धर दबोचा। इसके बाद असली बनाम नकली के बीच जमकर मारपीट शुरू हो गई। ऐसा हुआ, हमारे यहाँ पे विद्यापीठ चौराहे पड़ता है ये वृंदावन में, वहाँ पे ये लड़के कपड़े पहन पहन करके और इन लोगों ने इतना आतंक जोत रखा है पूरे शहर के अंदर। हमारे घर पे शिकायतें आती हैं, जो भी आता है हमारे घर पे कहने आता है, ताली मारते हैं वहाँ पे, छीना झपटी करते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं। मैं गई सुबह कहने के लिए, मैं कि ऐसा काम मत करो, यहाँ पे अच्छी बातें नहीं है, मैंने कि वृंदावन के अंदर ये चीज़ें मत करो। तुम लोग मांगते हो तो हमें इसकी तो कोई परेशानी नहीं है, तुम लोग मांग रहे हो पर तालियां तो मत मारो, छीना झपटी तो मत करो किसी के साथ में, ज़बरदस्ती तो मत करो। कोई नहीं देके जाता, इन्हें पैसे नहीं देके जाता, 100 रुपये 50 रुपये नहीं देके जाता, तो ये लोग कहते हैं तेरा बच्चे मर जावे, कि तेरा ये है जावे, तेरा बुरा है जावे। जिस माने हमारे घर पे कहने आता है कि ऐसा कर रहे हैं वो लोग, ऐसा कर रहे हैं, हम लोगों को इतना दुखी कर रखा है शहर के अंदर। तो मैं सुबह गई इन लोगों से कहने के लिए, तो इन लोगों ने मेरे इग्नोर करा और इन्होंने क्या करें, हेकड़ी दिखाई मेरे ऊपर, तो मेरे ऊपर हाथ छोड़ा इसने पहले, तो फिर मेरा भी हाथ छूटा, फिर लड़ाई भी हुई। फतेहपुर में वैन में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने का मामला सामने आया है। दरअसल मामला फतेहपुर जनपद के बिंदगी कोतवाली क्षेत्र के जहानपुर में बने आरएसजी इंटर कॉलेज का बताया जा रहा है, जहां पर एक वैन में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक जलती हुई मारुति वैन के बगल में खड़ी दूसरी मोबाइल वैन भी आग की चपेट में आ गई और इसके साथ ही दो बाइकों में भी आग लग गई। वहीं लोगों ने तत्काल फायर ब्रिगेड को पूरे मामले की सूचना दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर कड़े प्रयासों के बाद काबू पाया। श्री आरएसजी इंटर कॉलेज में कार्यरत हुए एक टीचर के रूप में हम लोग अंदर काम कर रहे थे और अचानक सुनाई पड़ा कि बाहर आग लग चुकी है गाड़ी में। जैसे हम लोग ने बाहर निकल के देखा कि गाड़ी पूरी तरह से जल रही थी और देखते देखते गाड़ी आग जो है बहुत भयानक रूप ले चुकी। हम लोगों को पता ही नहीं चला कि आग लगी कैसे, अचानक आग लगी गाड़ी में और उसी के बगल में एक मारुति वैन आग पड़ी थी जिस उसने भी आग पकड़ ली। दो मारुति वैन, दो मोटरसाइकिल। जनपद रायबरेली के पूर्व माध्यमिक विद्यालय बदोखर विकास क्षेत्र राही के हालात काफी ज्यादा खराब हो चुके हैं। विद्यालय की जर्जर व्यवस्था को लेकर विद्यालय की शिक्षिका अमिता श्रीवास्तव ने बताया कि विद्यालय में बच्चों की संख्या लगभग 200 है पर विद्यालय काफी जर्जर स्थिति में आ चुका है। कई बार विभाग के उच्चाधिकारियों को इस पूरे मामले से अवगत कराया गया पर अब तक समस्या जस की तस बनी हुई है। बारिश में यहाँ पर छतों से पानी टपकता है, मैदान में भी पानी भरा रहता है जिसकी वजह से जंगली जानवर वहां पर मौजूद रहते हैं और बच्चों का जीवन संकट में रहता है। अरे दिक्कतें देखिए, सब विद्यालय के पूरी खिड़कियों का क्या हाल है, देखिए चोर आते हैं रात में चोरी करके चले जाते हैं, विद्यालय के कीमती सामान सब चोरी हो गए। इधर देख लीजिए सारा ध्वस्त है, सज्जा वज्जा ध्वस्त है, सारी छत भी ऊपर देख लीजिए वो भी ध्वस्त है, इधर भी देख लीजिए इधर से भी चोर चले जाते हैं, पूरी खिड़की बेकार हो गई। देखिए सभी किस तरह की, अगर बच्चे के अगर लग जाए आँख में तो आँख खराब हो जाएंगी बच्चों की। इधर देख लीजिए सारे विद्यालय की एक भी कोई ऐसी खिड़की नहीं है कि जिससे बंद हो सके और चोरी ना हो, 3-4 बार इसमें चोरी हो चुकी है। इधर की पोजिशन देख लीजिए, ये सब देखिए क्या हाल है इसका, अगर ये छज्जा हाल रहा कहो बच्चों के छत पे ही गिर जाए। भवन जर्जर है और इसकी शिकायत हमने ग्राम प्रधान, पूर्व डीएसए और इस समय डीएसए करंट में जो है उनसे भी कही गई है, अपने बीओ सर को भी हमने अवगत कराया है। कई पेड़ पीछे हैं और कटे ऐसे गिरे पड़े हुए हैं, उनकी नीलामी वगैरह भी करवानी है। अगर आप लोग आदेश दें तो उसी से कुछ व्यवस्था यहाँ की सही की जाए। यहाँ की बिल्डिंग बहुत पुरानी है, रख रखाव ठीक से न होने के कारण ये शायद ये ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है।
सोनभद्र के सिधावा में महिला का नर कंकाल मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। हत्या कर शव को दफनाने की आशंका जताई जा रही है। वहीं नर कंकाल मिलने पर लोगों ने स्थानीय पुलिस को सूचित किया। वहीं गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क को जाम कर दिया। पूरे मामले के सामने आने के बाद से फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। आकाश, आकाश, आपने मम्मी को मारा पीटा गया आपके पापा द्वारा, आप थाने बताए थे पुलिस को? कब बताए थे? कौन आया था? पुलिस वाले आए थे। मैं फिर ही नहीं बताता, मैं थाने में गया था तब बताया था। आपने दरोगा को बताया था? हाँ। क्या बताए थे? पापा मार के तोड़ दिया था, फिर बेस हो गई थी, मार के फिर तोड़ दिया था। पुलिस नहीं सुनी आपकी बात को? आकाश, आकाश, आपने मम्मी को मारा पीटा गया आपके पापा द्वारा, आप थाने बताए थे पुलिस को? कब बताए थे? फरीदाबाद में जांच में दोषी पाए जाने के बावजूद भी पटवारी के खिलाफ कोई कार्रवाई न होने पर एनआईटी विधानसभा के कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने जिला उपायुक्त जितेंद्र यादव से पूरे मामले की शिकायत की। विधायक नीरज शर्मा का कहना है कि उनके विधानसभा के एक व्यक्ति की जमीन के कागज में म्यूटेशन चढ़ाने के लिए उससे पटवारी द्वारा 35,000 रुपए की मांग की गई। पटवारी पर आरोप है कि पीड़ित की जमीन को 100 मीटर के दायरे में बताकर उससे म्यूटेशन चढ़ाने के लिए या पैसे मांगे गए थे। जब इसकी शिकायत की गई तो उसके खिलाफ रूल 7 के तहत कार्रवाई करने का आदेश जारी कर दिया गया, पर इसके बावजूद भी अभी तक पटवारी उसी जगह पर काम कर रहा है। हमारे यहाँ एक खजान शर्मा जी हैं, उन्होंने म्यूटेशन के लिए पटवारी के पास गए, पटवारी ने उनसे नापसनाप पैसे मांगे, उन्होंने पैसे नहीं दिए, उनकी म्यूटेशन नहीं जमा करा। उसके बाद उन्होंने आरटीआई लगाई। पहली बात तो सरकार का ऐसा कोई आदेश नहीं है कि 100 मीटर में म्यूटेशन जमा नहीं हो सकती। सरकार का आदेश है कि 100 मीटर के अंदर सिर्फ आप अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। उसके बाद उन्होंने एप्लीकेशन लगाई आरटीआई में, नगर निगम से नपत हुई, उन्होंने लिख के दिया चीफ टाउन प्लानर ने कि आपकी ज़मीन 100 मीटर से बाहर है। उसके बाद पटवारी ने म्यूटेशन नहीं जमा कराई। वो मेरे पास आए, मैं यहाँ फरीदाबाद आया, मैं चंडीगढ़ गया, चंडीगढ़ से अफसर की ड्यूटी लगी, जांच हुई, एसडीएम लेवल की जांच हुई, उस जांच में पूर्णतया पटवारी को दोषी पाया गया और उसके खिलाफ सख्त से सख्त सजा की बात कही गई। परंतु बड़ी हैरानी हुई हमें देख के पटवारी को दंड देने की जगह जिस पटवार सर्कल में रह के उसने ये घपला किया उसकी वापस वही ड्यूटी लगा। हमारे यहाँ एक खजान शर्मा जी। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।